आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की इडली। सूजी को कई लोग रवा भी बोलते हैं और ये बहुत ही हेल्दी है। हेल्दी इसलिए क्योंकि इसमें खूब सारी हम सब्जियां डाल रहे हैं। और यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉमेंट करके मुझे बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं रवा इडली बनाना। इसके लिए मैंने 2 कटोरी सूजी की ली है और 2 ही कटोरी मैंने दही की ली है। यदि आपका दही ज़्यादा खट्टा है तो आप 1.5 कटोरी ले सकते हो। ये मैंने नॉर्मल टेम्परेचर वाला दही लिया है, फ्रिज में से नहीं निकाला है। इसको अच्छे से इसको हम मिला लेंगे। देखिए इस तरह से अच्छी तरह मिला लेने के बाद इसे हम ढक्कन लगाकर आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाएगी। जितनी देर में हम तड़का तैयार कर लेते हैं उसके लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल का डाल लिया है बर्तन में, और अब 1 छोटा चम्मच जीरा डाला है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको पका रहे हैं, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं है हमारी। और अब इसमें मैंने 1 चम्मच चने की दाल का डाला, 1-2 सेकंड के लिए इसको चला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच उड़द दाल का, और फ्रेंड्स धुली हुई उड़द दाल डाली है मैंने यहाँ। अब 1 पिंच हम हींग का डाल देंगे इसमें, उसके बाद 1 चम्मच सरसों के दाने का, आप चाहें तो राई भी डाल सकते हो। अब इनको हम अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक कि राई के दाने तड़तड़ाने ना लग जाएं। और अब ये भून चुके हैं, इसमें हम डालेंगे 6-7 कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ता को मैंने काट कर डाला है क्योंकि साबुत कड़ी पत्ता अच्छा नहीं लगता, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हो। और 2 हमने कुटी हुई हरी मिर्च डाली है। लो फ्लेम पर इसको हम पका लेते हैं 1-2 मिनट के लिए, और जब ये पक जाए तो उसमें हम डालेंगे बारीक टुकड़ों में कटी हुई गाजर। 1 गाजर मैंने यहाँ काटी है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और गैस को बंद कर देंगे। और 1/2 कटोरी मैंने यहाँ टमाटर की डाली है, 1 टमाटर है ये जिसको बारीक काट लिया था, और 1/2 शिमला मिर्च बारीक काटी हुई डाली है, थोड़े से धनिया के पत्ते, 1/2 कटोरी से थोड़े कम है। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमारी जो गैस है वो बंद है। इसको हम इसी तरह अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी इडली बनती है इसकी, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए 1/2 घंटा हो चुका है, सूजी भी हमारी फूल चुकी है। अब इसके अंदर हम सभी वेजिटेबल्स को डाल देंगे, और अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक का। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। इसको अच्छे से मिला लेंगे। फ्रेंड्स पहले नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि उससे सब्जियां जो है वो बहुत नरम हो जानी थी हमारी, तो आप बाद में ही नमक डालिए। इसी तरह थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो बैटर है वो थोड़ा गाढ़ा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिए। तकरीबन 1 कटोरी हमारी पानी की लग गई है इसमें। तो चलिए अब हम इडली स्टैंड को ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा तेल इसमें लगा लीजिए जिससे इडली छूटने में आसानी होगी। और अब डालेंगे हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 1 चम्मच मैंने इनो का डाला है इसमें, आप चाहें तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो। और इस तरह से एक ही डायरेक्शन में इसे हम फेंटेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं फेंटेंगे इसको, नहीं तो इससे हवा निकल जाएगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब हमारा जो इडली का बैटर है वो एकदम रेडी है। इसे अब हम डाल लेते हैं इडली स्टैंड की प्लेट में। देखिए इस तरह से 1/2 चम्मच इसमें हम बैटर का डाल देंगे, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भरेंगे क्योंकि जो इडली है वो बाद में फूलेगी ऊपर तक। तो इस तरह से मैंने सभी इडली मोल्ड को भर लिया है। अब हम स्टैंड को आराम से उठाएंगे और इडली कुकर में 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। उसके लिए मैंने 1/2 लीटर पानी पहले से ही कुकर में देखिए उबलने के लिए रख दिया है। पानी उबल चुका है और इसमें हम आराम से इडली स्टैंड को रख देंगे और 10 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। पहले 5 मिनट आप गैस को फुल कर लीजिए और अगले 5 मिनट में मीडियम फ्लेम पर इसको पकाइए। चलिए चेक करते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। और देखिए इस तरह से हम चाकू को इडली के बीच में डालेंगे
बैटर इसमें नहीं लग रहा है, इसका मतलब इडली पक चुकी है। और हम फिंगर से भी इसको चेक कर देख सकते हैं। उंगली को पहले ठंडा पानी लगा लीजिए और इस तरह से इडली के ऊपर देखिए, अगर नहीं चिपक रहा है इसका मतलब इडली हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इडली हमारी पक चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। और इडली स्टैंड जो है वो गर्म है, इसलिए कपड़े से बड़ी सावधानी से इसको आप उठाइए। तो निकाल लेते हैं स्पून से, ऐसे इसको साइडों से हटाकर इडली को हम उठाएंगे। बहुत ही अच्छी स्पंजी इडली बनी है हमारी। स्पंजी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है हमारी इडली। और फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये। इसे आप स्नैक्स में ले लीजिए या किटी पार्टी हो तो भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि फटाफट बन जाती है ये। इसे आप सांभर या चटनी के साथ भी खा सकते हो। और फ्रेंड्स, यदि आपको सांभर या चटनी की रेसिपी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दिया है, आप वहाँ से रेसिपी देख सकते हो। फ्रेंड्स, यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में इसे हमें ज़रूर बताइए और अपने सुझाव भी दीजिए आप किस तरह की रेसिपी आगे चाहते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए